तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, Redmi का K20 जल्द ही लॉन्च होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi के K20 Pro के बारे में, जिसकी काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस जो है लीक हो चुकी हैं। और इस फ़ोन में हमें देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक पॉपअप सेल्फी कैमरा और स्नैपड्रैगन 855 का सपोर्ट। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस जानने के लिए, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, जो कि 6.39 इंचेस का होगा। और इसमें हमें कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें हमें देखने को मिलने वाला है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, और साथ ही साथ इसमें हमें देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि 7th जनरेशन फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। वहीं अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें हमें एंड्रॉयड 9 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि MIUI 10 के साथ में यहाँ पर आने वाला है। और इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके मेमोरी वेरियंट्स के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा 6 और 8 GB के मेमोरी वेरियंट्स, जो कि 128 GB और 256 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में यहाँ पर आने वाले हैं। और इसमें हमें माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 512 GB तक का सपोर्टेबल होगा। वहीं अगर हम बात करें इसके कैमराज के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलेंगे ट्रिपल लेयर कैमराज, जो कि होने वाले हैं 48 MP, 13 MP और 8 MP का, जिसमें हमें अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा 20 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बात होने वाली है। और लास्ट में अगर हम बात करें इसके बैटरी लाइफ के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा 4000 mAh की बैटरी, जो कि यहाँ पर 27 वोल्ट के चार्जर के साथ में यहाँ पर आने वाली है। और इसमें हमें क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लास्ट में अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा ये फ़ोन 28 मई को चाइना में, और जून के मंथ में हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा किसी और नाम के साथ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग लगभग होने वाली 22 से 25 हज़ार के बीच में। और यही कुछ था रेडमी के K20 Pro के बारे में। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।